बारे में आपसे बात करूंगी। एंड ये फोन स्पेशली उन लोगों के लिए है जो परफॉर्मेंस बेस्ड फोन चाहते हैं, जिन्हें प्रो गेमिंग करना काफी ज्यादा पसंद होता है। एंड मैं बात कर रही हूँ पोको F6 5G की। एंड जिन लोगों को ये नहीं पता है, मैं उनको ये बता दूं कि पोको की जितनी भी F सीरीज होती है ये फ्लैगशिप किलर फोन होती है, यानी कि इसके अंदर आपको जो परफॉर्मेंस है काफी धमाकेदार आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस मिलती है। एंड यहाँ पे मैं आपको कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इसके अंदर आपको Snapdragon 8S Gen 3 वाला आपको यहाँ पे प्रोसेसर मिलता है। ये सोच सकते हैं कि कितना पावरफुल वाला प्रोसेसर है। इसके अलावा यहाँ पे आपको डिस्प्ले में 1.5K वाली आपको यहाँ पे एक AMOLED डिस्प्ले मिलती है। साथ ही यहाँ पे आपको सोनी का सेंसर दिया गया है एंड ये लेटेस्ट LPDDR5X RAM टाइप पे बेस्ड है एंड UFS 4.0 आपको यहाँ पे स्टोरेज टाइप मिलता है। और ये सारी चीज आप गेस कर सकते हो कि आपको किस प्राइस पॉइंट पे मिलने वाला है। चलो कोई नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि ये सारी चीजें आपको अंडर 30,000 में मिलने वाली है। तो आज के वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि क्या पोको F6 अपग्रेड है पोको F5 से, इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको फोन का फर्स्ट लुक दिखाना चाहूंगी कि फ्रंट में ये फोन दिखने में कुछ ऐसा है एंड बैक में ये देखने में फोन कुछ ऐसा है। लेकिन इस बार मैं ये चीज जरूर बोलूंगी कि पोको ने इस फोन की जो काया पलट करी है, मेरा मतलब है कि फोन को इतना डिफरेंट लुक दिया है। हमने जितने बार भी पोको के फोन देखे हैं वो हमें डुअल शेड में ही दिखाई दिए हैं, यानी कि ब्लैक एंड येलो ऐसे कलर्स में हमें यहाँ पे दिखाई दिए हैं। लेकिन इस बार का लुक ये काफी ज्यादा डिफरेंट है, सिर्फ एक कलर का यूज किया गया है एंड ये जो बैक है ये पॉलीकार्बोनेट बैक है एंड मैट फिनिश है। एंड ये फोन दिखने में भी स्लिमिस्ट लगता है। जो वेट है इसका 179 ग्राम इसका वेट है। सो यहाँ पे जो इसकी थिकनेस है वो 7.8 mm यहाँ पे आपको थिकनेस मिल जाती है, तो फोन लाइट वेटेड जरूर है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम फोन की डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको 6.67 इंचेस की एक 1.5K आपको यहाँ पे AMOLED डिस्प्ले मिलती है जो वर्क करती है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे, HDR 10 प्लस का सपोर्ट है। साथ ही यहाँ पे आपको 2400 nits के पिक ब्राइटनेस मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे TUV रियल लाइन का भी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन मिल जाता है। और ये चीज मैं यहाँ पे जरूर बोलूंगी क्योंकि पोको F5 से ये पोको जो F6 है इसमें अपग्रेड जरूर है डिस्प्ले के मामले में, क्योंकि पहले आपको पोको F5 में फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती थी, बट यहाँ पे उन्होंने अपग्रेड करके 1.5K आपको AMOLED डिस्प्ले दी है जो कि एक फ्लैट डिस्प्ले है जो काफी ज्यादा अच्छी लगती है। कलर्स आपको यहाँ पे काफी ज्यादा डीप दिखने वाले हैं और ये चीज इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो बेजल्स हैं वो आपको काफी ज्यादा मिनिमल दिखने वाले हैं, जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो ज्यादा आपको यहाँ पे मिल जाती है। सो YouTube पे भी आप 2160p पे HDR पे आप यहाँ पे वीडियोस भी देख सकते हैं। सो HDR का भी यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन पर्सनली ये डिस्प्ले मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। सो यहाँ पे आपको डिस्प्ले एक टॉप नॉच लेवल का मिलता है। ब्राइटनेस में भी आपको 2400 nits की पिक ब्राइटनेस मिल रही है, यानी आप ये सोच सकते हैं कि अगर आप इनडोर में या फिर अगर आप आउटडोर में भी अपना फोन यूज करते हैं तो ब्राइटनेस की कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रोटेक्शन की बात करूं तो गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। सो ये फोन डिस्प्ले के मामले में भी पिछले पोको F5 से अपग्रेड जरूर लेके आया है। सो यहाँ पे मैं पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करूं तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पे सिम स्लॉट मिलते हैं जो कि एक डुअल सिम स्लॉट है। स्पीकर ग्रिल है यहाँ पे, आपको टाइप सी आपको यहाँ पे मिल जाता है। राइट हैंड साइड में पावर बटन है, वॉल्यूम बटन है, ऊपर की तरफ आयर ब्लास्टर है, नॉइस कैंसिलेशन है एंड ये जो स्पीकर है ये डॉल्बी एटमॉस्फेयर की तरफ से है। तो यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, तो यहाँ पे जो स्पीकर की क्वालिटी है वो भी आपको यहाँ पे अच्छी मिलती है। सो अब उस चीज के बारे में बात करते हैं जिस चीज के लिए ये फोन जाना जाता है एंड दैट इज परफॉर्मेंस के लिए। तो यहाँ पे आपको प्रोसेसर में क्वालकॉम की तरफ से Snapdragon 8S Gen 3 वाला आपको यहाँ पे प्रोसेसर मिलता है जो कि वर्क करता है 4nm के चिपसेट पे। और जो इस फोन का जो अंतुतु स्कोर है वो भी 1.4 मिलियन प्लस आपको यहाँ पे अंतुतु स्कोर मिलता है, यानी कि 14 लाख आपको यहाँ पे अंतुतु स्कोर देखने को मिलता है। तो ये एक परफेक्ट स्कोर है अंडर 30,000 के लिए। और इसी चीज को अगर हम कंपेयर करें पोको F5 से तो वहां पे हमें 9 लाख प्लस हमें अंतुतु स्कोर देखने को मिला था, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल प्रोसेसर होने वाला है ये जो 8S Gen 3 है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो चिपसेट है ये लेटेस्ट 3rd जनरेशन वाला चिपसेट है एंड ये इंडिया का पहला ऐसा फोन होने वाला है जो 8S Gen 3 के साथ आया है। सो यहाँ पे आप एक प्रो गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अगर आप BGMI खेलते हैं तो आप बहुत ही इजीली आप यहाँ पे खेल सकते हैं, प्रो गेमिंग वगैरह कर सकते हैं, कोई भी लैक एंड ड्रॉप की प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। साथ ही अगर आप जब एक्सट्रीम गेमिंग भी कर लेते हैं तो जो फोन है वो आपका हीट भी नहीं करेगा, क्योंकि पोको ने इस फोन के अंदर आइस लूप यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज किया है, जिसकी वजह से जो ये फोन है वो हीट भी नहीं होगा। एंड ये चीज बहुत ऑब्वियस ही बात है कि जब आप फोन के अंदर हैवी टास्क करते हैं तो CPU GPU जो है वो वर्क करता है, तो इस वजह से फोन काफी ज्यादा यूज में
में आता है, तो इस वजह से हीटिंग इश्यू काफी ज्यादा फोन्स में देखे जाते हैं। बट इस बार इस फोन के अंदर आपको नहीं दिखने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आइस लूप कूलिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। और इसी के साथ यहाँ पे गेम को बूस्ट करने के लिए भी वाइल्ड बूस्ट 3.0 गेमिंग दे रखा है, जिसके अंदर आप बहुत बेस्ट गेमिंग कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे अपग्रेडेशन जरूर है, प्रोसेसर के मामले में भी एंड परफॉर्मेंस के मामले में भी। और इन सारी चीजों को करने के लिए इसके अंदर आपको लेटेस्ट LPDDR5X रैम टाइप दिया गया है एंड UFS 4.0 का आपको यहाँ पे स्टोरेज टाइप मिल जाता है। तो इसी वजह से जो मल्टीटास्किंग है वो काफी ज्यादा इजीली हो जाती है, जितने भी एप्स लोड होते हैं वो फास्टली हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको UFS 4.0 का आपको यहाँ पे स्टोरेज टाइप मिल रहा है। तो कोई भी आपको लैग एंड हैंग की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो अब बात करते हैं यहाँ पे फोन के कैमरे की। तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप मिला है, जिसके अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा मिला है, जिसके अंदर आपको सोनी की तरफ से IMX882 का सेंसर है। सेकंड कैमरा जो है वो है आपका 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, जिसके अंदर आपको सोनी की तरफ से IMX355 का आपको यहाँ पे सेंसर मिल जाता है। फ्रंट कैमरे की बात करूं तो यहाँ पे आपको 20 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा दिया गया है। और ये चीज भी बता दूं कि आपको Poco F5 से यहाँ पे बेटर सेंसर देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आप बेटर फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप 4K की वीडियोस को भी 30 या फिर आप 60 FPS पे शूट कर सकते हैं एंड फ्रंट में भी 1080p की वीडियोस को भी आप 30 या फिर आप 60 FPS पे शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कैमरे में जितनी भी फोटोग्राफी करने वाले हो, तो कैमरा काफी ज्यादा नेचुरल है, स्किन टोन आपको काफी ज्यादा नेचुरल दिखने वाले हैं। सो अगर आप इंडोर या फिर आउटडोर में भी शूट कर रहे हैं तो आपको कैमरा काफी ज्यादा यहाँ पे बेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको अपग्रेडेशन जरूर देखने को मिलेगा Poco F5 से, क्योंकि यहाँ पे आपको बेटर सेंसर दिए गए हैं, वो भी सोनी की तरफ से IMX882 का मेन कैमरे में आपको सेंसर मिल रहा है। तो ये फोन कैमरे के मामले में भी अपग्रेड जरूर लेके आता है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 5000mAh की बैटरी है एंड ये 90 वॉट चार्जर को सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स में आपको 120 वॉट का आपको चार्जर मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बैटरी में भी अपग्रेडेशन मिलता है, क्योंकि पिछले Poco F5 में आपको 60 वॉट का आपको यहाँ पे चार्जिंग मिलता था। सो सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये बेस्ड है एंड्रॉइड 14 पे, जिसको आप वर्क करता देखोगे HyperOS पे एंड यहाँ पे आपको 3 साल का OS अपडेट मिल जाता है एंड 4 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे आपको 15 5G बैंड को सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ 5.4 को सपोर्ट करता है, वाईफाई 6 है, IP64 की रेटिंग है एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ AI फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे AI एक्सपेंशन है, मैजिक इरेजर प्रो है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है। तो ये फोन भी AI बेस्ड है। अगर मैं यहाँ पे प्राइसिंग की बात करूँ तो ये फोन आपको अंडर 30,000 में कॉस्ट करने वाला है। यहाँ पे आपको 2 वेरियंट मिलने वाले हैं, एक है 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज वेरियंट, दूसरा है 12GB प्लस 512GB आपको यहाँ पे स्टोरेज मिलने वाली है एंड प्राइसिंग भी मैंने आपको बता दी कि अंडर 30,000 में ये फोन आपको कॉस्ट करने वाला है। एंड ओवरऑल देखा जाए तो ये फोन परफॉर्मेंस के मामले में टॉप नॉच लेवल का है, क्योंकि इसके अंदर आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए 8S Gen 3 का आपको यहाँ पे प्रोसेसर दिया गया है। सो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलने वाली है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो आपको एक डिस्प्ले मिल रही है वो भी काफी ज्यादा आपको एक अच्छी डिस्प्ले देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपको कैमरे में भी एक अपग्रेडेशन जरूर देखने को मिल रहा है Poco F5 से, क्योंकि यहाँ पे आपको जो सेंसर है वो भी काफी आपको बेटर आपको यहाँ पे सोनी की तरफ से IMX882 का यहाँ पे आपको सेंसर दिया गया है। एंड इसके अलावा जो ये प्लस पॉइंट है कि आपको यहाँ पे UFS 4.0 का भी स्टोरेज टाइप दिया गया है, तो मल्टीटास्किंग आपको गेमिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आनी है। तो आप एक बेस्ट परफॉर्मेंस वाला फोन चाहते हो तो आप डेफिनेटली Poco F6 को कंसीडर कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो जरूर जाके वहां से चेकआउट करिए। एंड ये फोन आपको कैसा लगा ये चीज आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए एंड फॉर मोर सच वीडियोस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर चैनल। थैंक यू।